सब्सक्राइब कीजिए इंतजार मलिक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि लेटेस्ट होम कलर डिजाइन वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से रहें। मैं हूं इंतजार मलिक और इंतजार मलिक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये है मास्किंग टेप का पैकेट और ये आधा इंची वाली मास्किंग टेप है। ये टेपिंग मैं लगाना शुरू कर रहा हूँ। ये टेपिंग दोस्तों मैंने 10 इंची के गैप पर लगाई है और ये दूसरी तरफ से जो मैं मास्किंग टेप लगा रहा हूँ ये भी 10 इंची के गैप पर ही है, यानी 10 इंची प्लस 10 इंची पर। और ये जो आड़ी वाली टेप मैंने लगाई है दोस्तों, देखो ये वाली टेप, ये दोस्तों एक खाना तो 3 इंची का है और दूसरा 4 इंची का है, यानी कि टेपिंग समीत 3 इंची प्लस 4 इंची का गैप ये डाउन वाली टेपिंग में लेना है। और हम इस तरीके से कटर ब्लेड की मदद से इनकी कटिंग कर लेंगे टेपिंग की। जिस तरीके से मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी कटिंग करना है, यानी कि जो हमारा ये बड़ा खाना है उसको हमें छोड़ना है, बाकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरीके से आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि आप गौर से देखेंगे तो इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कटिंग करना है, बहुत आसान है डिज़ाइन बनाना, आसानी से टेपिंग लग जाती है और आसानी से कटर ब्लेड की मदद से बना सकते हैं। ये देखिए, ये लंबी वाली लाइन जो मैंने आपको दिखाई है इसकी कटिंग करनी है। अगर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ये वाला डिज़ाइन निकल कर आ जाएगा। ये बहुत आसान है, ये मैं पूरी वॉल को कटिंग कर चुका हूँ और ये आपके सामने डिज़ाइन है। ये दोस्तों मैंने बनाया है वॉल पुट्टी का पेस्ट, जेके वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाया है और इसमें हम मिक्स करते हैं दोस्तों वाटर पेंट, एशियन कंपनी का हो या किसी भी कंपनी का वाटर पेंट मिक्स कर लें। वाइट वाटर पेंट मैंने मिक्स किया है इसमें, ताकि हमारी पुट्टी स्ट्रॉन्ग हो जाए और ज़्यादा समय तक दीवार पर टिकी रहे। ये देखिए, पंच की मदद से यानी हाथ की मदद से इस डिज़ाइन को हम इस प्रकार से बना लेंगे। ये बहुत ही आसान है और दोस्तों इस डिज़ाइन में कोई जोड़ भी नहीं पड़ता। जैसे मैं ये जोड़ मिला रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी जोड़ मिलाना है। हाथ की मदद से इस डिज़ाइन को आप जिस प्रकार का चाहें, बारीक चाहें, मोटा चाहें या जिस तरीके से भी चाहें बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको अच्छे से दिखाया है कि जोड़ को हम किस तरीके से ख़त्म करें। बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं कि इंतज़ार मलिक जी, जोड़ आ जाता है पुट्टी में। जोड़ नहीं आएगा आइंदा से, आप गौर से और ध्यान से देखिए। इस तरीके से हम पूरी दीवार को कंप्लीट कर देंगे। ये मैं पूरी दीवार कंप्लीट कर चुका हूँ और जो दीवार के अंदर हमारी टेप है पुट्टी के नीचे, उसको दोस्तों हमें गीले गीले पर ही छुटाना है। पुट्टी को हमें सूखने नहीं देना। अगर पुट्टी हमारी सूख गई तो डिज़ाइन में से टेप निकलेगी नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा टेप को निकालना। और गीले गीले पर ही हमें फौरन टेप निकाल देनी है, बाकी डिज़ाइन को फिर सूखने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों, पूरी दीवार से मैं टेपिंग को कंप्लीट निकाल चुका हूँ और दीवार को सूखने के बाद, अब ये सूख चुकी है दोस्तों, मैं सूज पॉलिश ब्रश से यानी जूता पॉलिश करने वाले ब्रश से मैं दीवार के ऊपर पेंट लगा रहा हूँ। ये कोड नंबर दोस्तों मैंने दे दिया है ऊपर स्क्रीन पे। ये जो कलर मैं लगा रहा हूँ इसका ये कोड नंबर है। आप दुकान पर जाएंगे तो एशियन कंपनी के रॉयल पेंट में वो दुकानदार बनाकर आपको ये वाला पेंट दे देगा। मैं कलर लगा चुका हूँ पूरी दीवार पे। ये दोस्तों 80 नंबर का सेंसरी रेगमाल है, यानी सेंसरी रेगमाल 80 नंबर का, जिसको फट्टे वाला रेगमाल बोलते हैं। 80 नंबर का रेगमाल, फट्टे वाला रेगमाल,
इसको बोलते हैं। ये रेगमाल पेपर है दोस्तों, इसकी मदद से हम इसकी घिसाई इस तरीके से कर लेंगे। जितना आपको डिजाइन निकालना है उतना आप इसका घिसाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह का डिजाइन आपके सामने आ जाएगा। अब इसको हम ब्रश से पूरी दीवार को अच्छे से साफ कर लेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों अगर दीवार अच्छे से साफ नहीं हो पाई तो इस तरीके से आप पानी लगाकर भी दीवार को साफ कर सकते हैं। और दूसरा फार्मूला दोस्तों हमारे पास है कि हम इस दीवार पर टचवुड पीयू, जो लकड़ी पे यूज की जाती है दोस्तों, लकड़ी पे जो क्लियर वार्निश या टचवुड पीयू लगाई जाती है वो हम इस दीवार पर लगा देंगे। तो जब हम इस दीवार पर पूरी पे ये लगा देंगे दोस्तों तो ये दीवार चमकदार भी हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी, वाटरप्रूफ भी हो जाएगी। पानी से इस दीवार को धो भी सकते हैं और इसको वॉश आराम से कर सकते हैं। टचवुड के दोस्तों एक बार एक कोट लगाएं और सूख जाने के बाद दूसरा कोट लगाएं। ये देखिए मैं फाइनल कर चुका हूँ क्लियर वार्निश या टचवुड से। और दोस्तों आप चाहें तो इस दीवार के ऊपर गोल्डन पेंट भी लगा सकते हैं इस डिज़ाइन पर, इसलिए मैं आपको लगा करके दिखा रहा हूँ कि आप इस पे गोल्डन पेंट भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो वैसे भी छोड़ सकते हैं जैसे पहले थी, और आप चाहें तो गोल्डन लगाकर इस प्रकार की ये दीवार आपकी बन जाएगी। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहें इस तरीके से दीवार को रख सकते हैं इस वाले डिज़ाइन में, या आप चाहें तो गोल्डन लगाकर ऐसे भी कर सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।